नमस्कार, मैं मामून आज आपको ऐसे परिवार की ओर लेके चलती हूँ जहाँ कन्या भ्रूण था वो कोई भी पाप नहीं किया जाता। आइए। चक्कर आ रहे हैं और उल्टियाँ हो रही है। मुबारक हो मीरा, तुम माँ बनने वाली हो। क्या ये सच है कि मैं माँ बनने वाली हूँ? अरे हाँ, बस अपना ध्यान रखना। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? ठीक तो है मेरी बच्ची? घबराने की कोई बात नहीं है, बल्कि आपके लिए तो खुशखबरी है, आप दादी बनने वाली हैं। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? और मीरा माँ, अब तो मैं मिठाई बंटवाऊंगी। क्या बात है, माँ और बहू बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे डॉक्टर साहिबा। अरे मुबारक हो, तुम दादा बनने वाले हो और अनिल बेटा तुम बाप बनने वाले हो। दादा, अरे ढोल बजाओ, मिठाइयाँ बंटवाओ। मैं पापा बनूंगा, घर में एक नया मेहमान आएगा, मैं भी जरा सबको खुशखबरी देता हूँ। बेटी मीरा, घर में मेहमान तो आने वाला है, पर वो लड़का है या लड़की मुझे तो चिंता सता रही है। माँ चिंता कैसी, जो भी होगा मुझे स्वीकार है, वैसे भी मेरी नजर में दोनों एक समान है। क्या बकवास कर रही हो, दोनों समान कैसे हो सकते हैं? लड़के कमा के देते हैं, वंश आगे चलाते हैं, इज्जत कमाते हैं, और लड़कियां बोझ होती हैं, बोझ जब तक छाती से ना उतरे चैन की सांस नहीं लेने देती। क्या कह रही हो माँ, अगर लड़की निकली तो भी तो उसे स्वीकार करना होगा, आखिर वे मेरा खून है। स्वीकार कभी नहीं कर सकते, गिरवा देंगे बच्चे को। बस करो माँ, क्या अनाप शनाप बकी जा रही हो। मीरा बेटी ठीक ही तो कह रही है तुम्हारी सास, अगर लड़का हुआ तो खूब जोरों शोरों के साथ घर मिलाएंगे, और अगर लड़की हुई तो चुपचाप गिरवा कर आ जाएंगे, आगे चलकर बदनामी थोड़ी ना मोल लेनी है। हा? लेकिन मैं भी तो एक लड़की हूँ, ये काम कैसे कर सकती हूँ? मीरा लड़की मतलब अब शुक्नों की पोटली। मीरा बात को समझो, पहले मुझे भी ये गलत लग रहा था, लेकिन फिर माँ ने मुझे समझाया कि लड़की बोझ है, सिवाय बदनामी के कुछ नहीं देगी। बस कीजिए, आप जो चाहते हैं मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन इस नन्ही सी जान पर जो अभी दुनिया में आई भी नहीं है, सारी आपत्तियाँ मत लगाइए। मीरा तुम जो करने जा रही हो, जानती हो ये गलत है, तुम भी एक लड़की हो। लड़की है तो क्या हुआ, मैं भी तो लड़की हूँ, और वैसे भी हम दोनों तैयार हैं, आप अपना काम कीजिए। देखा आपने, मैं मजबूर हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। हे करुणा मई माँ, ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे एक बार दुनिया में आने दो माँ, मैं आपका ही तो रूप हूँ, मैं भी आपकी तरह इस दुनिया में जीना चाहती हूँ, ये दुनिया देखना चाहती हूँ माँ। मैं आपको बेटे की चाह है ना, मैं बेटे से भी बढ़कर दिखलाऊंगी माँ, यदि ये समाज मुझे अब भी मरवाना चाहता है तो ये जान। बेटी जो मरती रही तो बचना पाएगा नारी का अंश, तो ऐसे में बेटे वालों का भी मिट जाएगा वंश।